नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक लैंडस्केप बनाएंगे। उसके लिए मैं पहले ब्लू कलर बना लेता हूँ, थोड़ा सा ये सेरुलिन ब्लू और अल्ट्रामरीन, फ्रेंच अल्ट्रामरीन दोनों को मिला के थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेरुली, ये हमारे दो शेड बन गए। उसके बाद थोड़ा सा वॉश देते हैं स्काई का। शीट हमारी 40 डिग्री एंगल पे टिल्टेड है। यहाँ तक हम एक वॉश देते हैं। इसके बाद हम ये जो पिगमेंट लिया है तो इससे थोड़ा सा क्लाउड्स का इफेक्ट क्रिएट करते हैं। थोड़ा सेरुलिन वाला कलर, थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने देख सकते हैं कि स्काई का इफेक्ट कितना अच्छा है। तो इसके बाद थोड़ा सा इंडियन येलो गैम्बोज लेके दोनों को मिला के मुझे यहाँ पे पहाड़ का टॉप बनाना है। थोड़ा सा बंस हम यूज कर लेते हैं। जैसे दिखाना है यहाँ पे, जैसे ये पहाड़ी का चोटी होती है और ऊपर जाके फ्लैट होता है ना, तो वो व्यू दिखा रहा हूँ मैं। और उसके ऊपर एक ट्री, थोड़ा सा थिक कलर लेके बंड से ना ब्लू, थोड़ा सा येलो लेके थिक ही चला दिया यहाँ पे। अभी ड्रायर से सुखाते हैं ताकि थोड़ा टाइम सेव हो सके। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा आर्टवर्क सूख चुका है। अब इसके बाद एक फैन ब्रश लेके थोड़ा सा थिक कलर्स के साथ प्ले करते हैं। यहाँ पे थोड़े थोड़े धब्बे
हो जाएंगे, ये पीछे घास उगे होते हैं, तिनके से एकदम से रफ सा टेक्सचर होता है। यहाँ पे एक छत जैसा बना देते हैं, देख सकते हैं कि पेंटिंग हमारी बिल्कुल एकदम से कड़क हो गई। थोड़ा थिक येलो भी लगा देते हैं। थोड़ा सा वाटर स्प्रे भी कर देते हैं। ताकि ब्लेंडिंग बनी रहे। थोड़े से अब बर्ड्स उड़ते हुए बनाते हैं। यहाँ पे फेंस भी थोड़ी सी बना देंगे। एक बार ड्राई से सुखा लेते हैं इसे अच्छे से। थोड़ा भी आप देख सकते हैं कि हमारा आर्ट वर्क अच्छे से सूख चुका है, तो अब इसका थोड़ी सी और डिटेल करके सिग्नेचर करते हैं इसमें। भी थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर कर देते हैं ऐसे, ताकि अच्छा नेचुरल सा इफेक्ट आए। देखिए कि अभी पूरा फोकस हमारा इस एरिया पे आ रहा है पहले, फिर यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा व्हाइट के साथ कहीं कहीं
थोड़ा सा कच्चा सा रास्ता जैसे होता है वैसा भी फील आ गया। इसे एक बार सुखा के फिर सिग्नेचर करते हैं। चलो अभी बस एक दो टच देके सिग्नेचर करते हैं। देख सकते हैं कि हमारा आर्टवर्क कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच। बस अभी इसकी टेप उतारते हैं तो और अच्छा लगेगा। देखिए बॉर्डर के साथ ही और अच्छा लगना शुरू हो गया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए बिना डरे बिना घबराए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहो।